Hello, everyone, welcome to my channel Harsha's Academy. Today, we are going to learn about uh, 7 quality control tools given by Kuro Ishikawa. Now, Kuro Ishikawa has given 7 different quality control tools with which we can reduce the defect and improve the quality of the product. Now, in that first is Pareto chart. पैरेटो चार्ट जो है वो ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जैसे एक प्रोडक्ट है सपोज एक मोबाइल मैंने लॉन्च किया मार्केट में और उसका जो फीडबैक है कस्टमर्स फीडबैक वो पहले पहले मैं कलेक्ट करूंगी कस्टमर्स फीडबैक कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी है किम्यूलेटि फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी डिफेक्ट वो जैसे है ब्लूटूथ मेमोरी देन कैमरा एंड बैटरी बैकअप ये जो है ये चार डिफेक्ट्स है एक जो मैंने लॉन्च किया वो फ़ोन में अब जो चार डिफेक्ट्स है ये मैंने आ, रिसीव किए फीडबैक से अब मैं क्या करूँगी पैराटो चार्ट में जो जिसका सीक्वेंस सबसे ज़्यादा है या काउंट सबसे ज़्यादा है वो मैं पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाऊंगी जो डिफेक्ट्स हैं जो मैंने रिसीव किए उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाऊंगी कितने मैंने सपोज ब्लूटूथ का मैंने जो कंप्लेंट है वो मैंने सपोज देखा कि सेवेंटी एट परसेंट लोगों ने ब्लूटूथ का कंप्लेंट किया है लाइकवाइज़ मेमोरी का सिक्सटी uh, परसेंट लोगों ने कैमरे कैमरे का 55 और बैटरी बैकअप का फिफ्टी uh, परसेंट ऐसा जो है वो डिफेक्ट्स मैंने कलेक्ट किए अब पैराटो चार्ट में हमको क्या करना है पहले जो सीक्वेंस सबसे ज़्यादा जिसका डिफेक्ट रहेगा वो पहले हमको ऐसे बार्स में पहले अरेंज करना है दिस इज़ योर बेसिकली पैराटो चार्ट इन विच यू हैव टू टेक योर डिफेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रिक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस अब मैं इसका डिफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूँगी जैसे मेरे पास नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स है जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास चार डिफेक्ट्स है पर पहले मैं फोकस किस किस पर करूँगी जिसका जो क्यूमुलेटिव uh, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जैसे अभी ये पर्टिकुलर फ़ोन में ब्लूटूथ का जो कंप्लेंट है वो सबसे ज़्यादा है तो मैं पहले क्या करूँगी ब्लूटूथ का जो uh, क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी ब्लूटूथ का क्वालिटी इम्प्रूव करने के बाद आई अगेन रीलॉन्च दी प्रोडक्ट फिर से मैं उनका फीडबैक लूँगी फिर से वो देखूँगी कि और कोई उनका कस्टमर्स uh, का कंप्लेंट आ रहा है या नहीं तो बेसिकली पैराटो चार्ट जो है वो एक डिफेक्ट पे काम नहीं करता अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है पहले उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और जब जो सबसे ज़्यादा डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट है उस पर हम काम करके उसको मिनिमाइज़ करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे फिर मैंने क्या किया ब्लूटूथ का मैं पहले क्वालिटी इम्प्रूव करूंगी वो साइड में चला जाएगा देन नेक्स्ट जो है डिफेक्टिव फ्रिक्वेंसी uh, वो है मेमरी uh, की वो मोबाइल के पर्टिकुलर मेमोरी की तो फिर मैं उस पर फोकस करूँगी लाइकवाइज आई विल फोकस ऑन ईच डिफेक्ट टू मिनिमाइज दी डिफेक्ट्स एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ये जो है ये दिया था पैराटो चार्ट ने विथ विच वी कैन रिड्यूस दी defects and improve the quality of the product. Now next is our cause and effect diagram. It is also called as fishbone diagram and Ishikawa diagram. Now जैसे एक एक product है जो poor quality का बन गया है. जैसे मैंने एक concrete बनाया M25 grade का जिसका 28 day strength चाहिए था मुझे ट्वेंटी फ़ाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर तो जैसे कुछ रीजन्स होते हैं पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बनने के पीछे तो अभी फिश बोन डायग्राम में हमको क्या करना है जैसे एक पुअर कॉन्क्रीट बन गया एम ट्वेंटी फ़ाइव का बनाना था जिसका स्ट्रेंथ आना था ट्वेंटी फ़ाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर पर आया सपोज ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर तो उसके पीछे जो कॉजेस है वो पहले मैं देखूंगी जैसे मटेरियल्स मैंने कौन से कौन से यूज़ किए देन वाटर सीमेंट रेशियो एज पर मिक्स डिज़ाइन वाटर सीमेंट रेशियो मैंने लिया था या नहीं क्यूरिंग पीरियड और मैंने प्रॉपर क्यूरिंग की थी या नहीं देन एडमिक्सर्स अगर मैंने कोई एडमिक्शर्स यूज़ किए थे जैसे रिटार्डर यूज़ किया था या सुपर प्लास्टिसाइज़र मैंने कंक्रीट में यूज़ किया था तो वो कितने परसेंट तक लिया वो सब कॉजेस हुए Uh, किसके पीछे पोअर क्वालिटी कॉन्क्रीट के पीछे तो मैं क्या करूँगी पहले ये कॉजेस लिस्ट आउट करूँगी और फिर मैं एक एक कॉज देखूँगी कि मैंने जो मटेरियल्स यूज़ किए थे वो प्रॉपर थे या नहीं वाटर सीमेंट रेशियो बराबर यूज़ किया था या नहीं जैसे पॉइंट फोर फाइव होता है पॉइंट फाइव होता है वो मैंने एज़ पर मिक्स डिज़ाइन लिया था या नहीं क्यूरिंग पीरियड मैंने बराबर क्यूरिंग किया था या नहीं उसके बाद एडमिक्सर्स ये सब मैं देख फिर मैं देखूंगी कि इसमें से किसके वजह से जो कंक्रीट है वो पुअर आया था उसको मैं रिप्लेस करूंगी या फिर से उसका क्वालिटी अगेन चेंज करूंगी सो दैट आई गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो ये है फिश बोन डाइग्राम अब इसको फिश बोन क्यों बोला है क्योंकि देखो यहाँ पे पहले इफ़ेक्ट है उस इफ़ेक्ट के पीछे जो कॉजेस है वो हमने ऐसे डिनोट किए हैं लाइक फ़िश बोन्स दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज़ फ़िश बोन डाइग्राम सो so, ये जो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम गिवन बाय कुरो इशिकावा टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये हुआ आपका सेकेंड क्वालिटी कंट्रोल टूल्स थैंक यू प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू